See, in this lecture, we will try to understand the various critiques of scientific method. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड है क्या, राइट? हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, साइंस और साइंटिफिक मेथड के ये डेफिनेशंस देखी, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं बाय द वेरियस साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू स्टडी वेरियस फिनोमिना, राइट? एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैथड, राइट? वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड और एनालाइज दी साइंटिफिक मैथड्स फ्रॉम 10 to 12 डिफरेंट डायमेंशंस. Now in this method, what we'll going to do is, in this lecture, we will criticize these various characteristics or dimensions of scientific method from multiple dimensions, right? So हम इसमें देखेंगे कि तीन prominent हम क्या है scientific philosophers के बारे में पढ़ेंगे और तीन prominent criticisms देखेंगे scientific method का, right? And the name of these philosophers or scholars, राइट, आर कार्ल पॉपर देखेंगे हम, सेकंड हम देखेंगे थॉमस कून, एंड थर्ड हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड बाय पॉल फ्रेयरबैंड, राइट? वी विल आल्सो ट्राई टू क्रिटिसाइज द साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केओस थियरी, राइट? हम देखेंगे कि नेचर इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना साइंटिस्ट क्या है प्रोजेक्ट कर रहे थे, राइट? क्लासिकल साइंटिस्ट जैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि नेचर स्टैटिक है, मैटर का बिहेवियर स्टैटिक है, राइट? एंड वी कैन इम्पोज अवर एक्सटर्नल लॉजिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ दिस स्टैटिक बिहेवियर ऑफ मैटर, राइट? हमने देखा कि न्यूटन ने बोला था, राइट, कि द परफेक्ट मैथमेटिशियन दैट इज द गॉड क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स एंड ही क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स विथ सर्टेन precision, right, using mathematical equations, and the purpose of the scientist is to decode, decipher these equations, and we can study the entire reality, the entire nature and its various dimensions and perspectives through the use of these scientific methods and through the applications and approach or methodology that the science uses, right? Now ye jo teen hum philosophers padhenge ye kya hai 20th century ke philosophers, and these are three big names, राइट? तो इनका क्रिटिसिज्म, वेन एवर द क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मेथड, दीज थ्री थिंकर्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट, राइट? दे आर द बिग नेम्स इन द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, राइट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड साइंस बाय कार्ल पॉपर. See, Karl Popper, he wrote a book that goes by the name. It is always important to remember the names of these books. And the name of the book is The Logic of Scientific Discovery. कार्ल पॉपर इस बुक में कौन से आइडियाज पुट फॉरवर्ड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, अटैक करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं जो प्रोमिनेंट साइंटिफिक मेथड था और जो अप्रोच थी, दैट इज द इंडक्टिव मेथड. राइट? नाउ ही क्रिटिसाइजेस द इंडक्टिव मेथड. अब बोलते हैं कि इंडक्टिव मेथड हमने क्या देखा था. इंडक्टिव मेथड हमने देखा था कि इसकी अप्रोच है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, राइट? इट मूव्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और आइसोलेटेड डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंसिस दैट वी डिराइव फ्रॉम दिस डेटा टू जनरेट द यूनिवर्सल और बिग थियरीज, राइट? सो साइंस बिलीव्स इन जनरलाइजेशंस एंड दीज जनरलाइजेशंस आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द यूज ऑफ दिस इंडक्टिव मेथड, राइट? नाउ फर्स्ट ये क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि सी साइंटिस्ट सफर फ्रॉम व्हाट वी कैन कॉल एज कन्फर्मेशन बायस. ठीक है,
कंफर्मेशन बायस का क्या मतलब है, ये जो डेटा आ रहा है राइट, जो हम ऑब्जर्वेशन से लेके आ रहे हैं, इसको दे ट्राई टू इंटरप्रेट दिस डेटा राइट, दे ट्राई टू इंटरप्रेट एनालाइज ऑर्गेनाइज दिस डेटा राइट, दिस डेटा इन ऑर्डर टू कम टू द थियरी दैट इज ऑलरेडी इन देयर माइंड राइट. सो हेयर डेटा इज एक्ट एज ए सर्विस टू थियरी राइट. डेटा क्या है, सर्विस करता है थियरी को, इट जस्टिफाइज द थियरी. ठीक है, वो बोलते हैं कि यूजिंग दिस डेटा यू कुड जस्टिफाई योर थियरी, एंड वो पर्टिकुलर वे में क्या है, आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंफर्मेशन बायस का क्या मतलब होता है राइट. वो बोलते हैं कि साइंटिस्ट क्या है, जो डेटा फेवरेबल है थियरी के लिए राइट, उसको क्या है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके थियरी के एक कंक्लूजन लेके आते हैं, जनरलाइजेशन लेके आते हैं. और जबकि जो डेटा है जो थियरी के साथ कंट्राडिक्ट करता है ठीक है, उसको वो क्या है एज एक्सेप्शन और एनोमली मान लेते हैं राइट, और द डेटा विच इज नॉट क्वाइट रेलिवेंट ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. सो वट एवर प्री कंसीव्ड थियरी दैट दे हैव इन माइंड, सो ऑल द देर इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड ऑल द डेटा दैट जस्टिफाइज दिस थियरी और दैट सर्व्स दिस थियरी दैट इज बींग यूज बाय द साइंटिस्ट, एंड द कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा इज बींग डिस्कार्डेड. सो दिस इज वट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन बायस. ठीक है, तो ये क्या है, आप उस टाइम पे 20th सेंचुरी में फ्रूइड का फेमस कंसेप्ट था साइको एनालिसिस का. नाउ पॉपर क्रिटिसाइज्ड फ्रूइड. फ्रूइड सेड कि जो एडल्ट प्रॉब्लम्स हैं दे जो एडल्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट करती है दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड राइट. तो ही सेज कि फ्रूइड किसी भी मैनर में अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर सकते हैं ठीक है, वेरियस आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं और डेटा को पॉइंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस. तो व्हाट ही सेज, अगर फ्रूइड बोलते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स हैं एडल्ट लाइफ में दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग एज अ चाइल्ड, तो पॉपर बोलते हैं कि दो सर्कमस्टांसेस हैं राइट, एक में चाइल्ड का निगलेक्ट हुआ है तो उसमें भी वो क्या बोलेंगे फ्रूइड कि यहाँ से क्या है थोड़ा सा मेंटल इश्यूज आएंगे और वेरियस एंजाइटी इश्यूज प्रॉब्लम्स आएंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे एडल्ट लाइफ में. और ये बोलते हैं अगर सोशलाइजेशन भी प्रॉपर हुआ, अपब्रिंगिंग भी प्रॉपर हुई है राइट, वो बोलते हैं कि अगर दूसरा एक्सट्रीम भी है, इफ द चाइल्ड इज टू मच लव्ड और चाइल्ड इज टू मच केयर फॉर दैट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल प्रॉब्लम्स. सो पॉपर सेज दैट द फ्रूडियन कंसेप्ट ऑफ द फ्रूइड द फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रूइड कुड जस्टिफाई दिस मैनर इन एनी मैनर व्हाट सो एवर पॉसिबल बाय इंटरप्रेटिंग द डेटा एंड बाय गिविंग बाय पुटिंग दिस डेटा टू कन्फर्म और टू सर्विस और टू जस्टिफाई हिज थियरी. ठीक है, तो कन्फर्मेशन बायस हम खुद देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है, हम चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं, हमारे जितने भी सराउंडिंग से जो डेटा आता है उसको हम फिल्टर करते हैं और उसी डेटा को हम कहाँ पे लेते हैं, उसी डेटा को हम कंसीव करते हैं और उसी जो हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं एटीट्यूड्स हैं उसको जो जस्टिफाई करता है राइट. तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे राइट, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पीपल को पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोस्ट दिखाई जाती हैं. सो व्हाट इज दिस लीडिंग टू, इट इज लीडिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कन्फर्मेशन बायस. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये जो थियरी है दीज इंडक्टिव मेथड लीड्स टू कन्फर्मेशन बायस और जनरलाइजेशन राइट. सो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ये जो मेथडोलॉजी है इसको रिवर्स कर देना चाहिए. ठीक है,
ठीक है, इसको टोपल डाउन कर देना चाहिए, ठीक है, अपसाइड डाउन रख देना चाहिए इस मेथोडोलॉजी को, इसका उल्टा हमें मेथोडोलॉजी क्या है फॉलो करनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव ही प्रपोज्ड डिडक्टिव अप्रोच. वी विल सी व्हाट डिडक्टिव अप्रोच इज. ठीक है ना, यहीं से क्या है ये थ्योरीज जो जनरल थ्योरीज हैं इनको भी क्रिटिसाइज करते हैं. कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल जो विजडम है और कन्वेंशनल जो नोशन था साइंटिस्ट का कि हम एक थ्योरी हम क्या है इंडक्टिव अप्रोच से दैट इज लिमिटेड सेट ऑफ डेटा से हम क्या है इस डेटा को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, इस डेटा को यूनिवर्सलाइज करके हम क्या है एक यूनिवर्सल थ्योरी पे क्या है रीच कर सकते हैं. राइट नाउ ही सेज कि सिंस डेटा इज लिमिटेड, राइट, यहां पे एक फेमस एग्जांपल है जो हमेशा मेंशन किया जाता है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और ये जो है कार्ल पॉपर ने अपनी बुक में लिखा है इस एग्जांपल के बारे में. सी, साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है स्वान्स को, ठीक है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं स्वान्स को, ऑब्जर्व करता है डेटा कलेक्ट करता है स्वान्स के ऊपर. तो फॉर एग्जांपल ही ऑब्जर्व्ड 100 स्वान्स और लेट्स से 1000 स्वान्स, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस क्या है जो साइंटिस्ट क्या करेगा इस डेटा को इंटरप्रेट करेगा. फॉर एग्जांपल इफ ही सीज दैट ऑल द स्वान्स दैट ही ऑब्जर्व्ड आर वाइट, ठीक है, ये जितने जो उसने की जो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है जो लिमिटेड सेट ऑफ डेटा है उसके बेसिस पे ये क्या है एक यूनिवर्सल वो एक यूनिवर्सल लॉजिक पे और यूनिवर्सल कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा दैट ऑल द स्वान्स आर वाइट. ठीक है, नाउ कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं कि इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम और फ्यूचर में क्या है यू विल कम अक्रॉस ए 101th स्वैन और 1001 स्वैन या फिर 100,000, ठीक है, 1 स्वैन्स. एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के बाद क्या है यू आर जनरेटिंग अ यूनिवर्सल कंक्लूजन. नाउ देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, कार्ल पॉपर बोलता है कि यू माइट डिस्कवर सम न्यू फैक्ट, ठीक है, ये जो वन है ये जो एडिशन हो रहा है इससे आपको पता चलेगा कि ये जो नया स्वान है फॉर एग्जांपल कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, राइट, एंड यू माइट गो टू अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर एंड यू माइट फाइंड अ स्वान ऑफ डिफरेंट कलर, राइट, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में यू कैन फाइंड अ स्वान ऑफ डिफरेंट कलर और क्या पता वो ब्लैक हो. तो यहां पर क्या है थ्योरी है आपकी रिफ्यूट कर जाती है. तो जो कार्ल पॉपर बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये जो सिमिलर अप्रोच है ये काइंड ऑफ अप्रोच है, राइट, यही यूज हो रही थी साइंटिफिक मेथड्स में, इंडक्टिव मेथड में यूज हो रही थी. एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिस्कवर सम न्यू फैक्ट एंड दिस न्यू फैक्ट विल बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द थ्योरी दैट यू जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बिकॉज इंडक्टिव मेथड में आप एक्सपेरिमेंट करोगे लेबोरेटरी में जो भी करोगे तो क्या है आपकी लिमिटेड ही डेटा को आप वो कर सकते हो, लिमिट रहेगा डेटा. अगर आपने 1 करोड़ फैक्ट्स भी देख लिए हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी जो नेक्स्ट फैक्ट आएगा इट माइट कॉन्ट्राडिक्ट यूर डेट योर दिस कंक्लूजन दिस इंडक्टिव कंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग योर ऑब्जर्वेशन, राइट, ठीक है. तो इंस्टेड यह बोला है कि इंडक्टिव अप्रोच की जगह है जो साइंटिस्ट हैं उनको डिडक्टिव अप्रोच यूज करनी चाहिए, प्रोसेस को क्या है रिवर्स कर देना चाहिए, इस प्रोसेस को पूरा टोपल और अपसाइड डाउन करना चाहिए. रादर वी शुड मूव फ्रॉम थियरी टू फैक्ट्स, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए साइंटिस्ट की, ठीक है. नाउ ही सेज कि साइंटिस्ट को क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए कि इसी टू टर्म्स हैं, एक तो हो गया इंडक्टिव अप्रोच, सेकेंड उसने कंसेप्ट दिया द कंसेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन. ठीक है, सी व्हाट ही सेज कि
आपको क्या है, एक एग्जिस्टिंग थियरी को पिक करना चाहिए, ठीक है, और रादर यू शुड ट्राई टू डिसप्रूव दिस थियरी, ठीक है, आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस थियरी को डिसकन्फर्म करने की, ठीक है, इस थियरी को फॉल्सिफाई करने की, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्ट्स और डेटा देखो जिससे क्या है, ये जो थियरी है फॉल्सिफाई हो सकती है, राइट, दिस इज द अप्रोच विच शुड बी फॉलोड बाय साइंटिस्ट। नाउ ही सेज, नाउ इफ मल्टीपल साइंटिस्ट जो कि ये डिडक्टिव अप्रोच यूज करेंगे, दैट थियरी को, एग्जिस्टिंग थियरी को पिक करेंगे और उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उनको डिसकन्फर्म और फॉल्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी, रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी दे फेल टू डू दिस, राइट, दे फेल टू फॉल्सिफाई द थियरी, देन वी कैन से दैट दिस थियरी इज क्लोजर टू ट्रूथ, ठीक है। बट ही नेवर सेड, क्या है, कार्ल पॉपर ने कभी नहीं बोला कि ये दिस थियरी विल डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्ट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट, ही सेज कि जितना ज्यादा जो है ये जो फॉल्सिफाई करने की कोशिश की जाएगी और जितने ज्यादा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे थियरी के को डिसप्रूव करने के, इट मींस दैट थियरी स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, सो दिस थियरी सिंस इट स्टूड द टेस्ट ऑफ द साइंस एंड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ फॉल्सिफिकेशन, वी कैन से कैट दिस थियरी रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ, इट इज मोर क्लोजर टू ट्रूथ, बट इट इज, वी कैन नॉट से दैट दिस थियरी विल बी एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल एंड इट विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट द ट्रूथ, राइट। सो इन्होंने ये बोला कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो फॉल्सिफिकेशन वाली अप्रोच होनी चाहिए, राइट, यहां पे क्या है, आप कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे थियरी को, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे थियरी को, ठीक है, रादर योर अप्रोच शुड बी रिवर्स, ठीक। नाउ ये एग्जांपल लेते हैं आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन व्हाट ही डिड, आइंस्टाइन यूज टू फॉलो दिस काइंड ऑफ अप्रोच, आइंस्टाइन यूज टू सिट इन द चेयर, आइंस्टाइन को आर्म चेयर साइंटिस्ट भी बोला जाता है, राइट, आइंस्टाइन वॉज नॉट अ कन्वेंशनल साइंटिस्ट, ही मोस्टली डिड नॉट कंडक्ट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, रादर ही यूज टू कंडक्ट थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ही यूज टू सिट इन दिस चेयर ऑल डे लॉन्ग एंड ही यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स, राइट, थिंक अबाउट सराउंडिंग्स, थिंक अबाउट एनवायरमेंट, थिंक अबाउट प्लेनेटरी बॉडीज। सो आपने सुना होगा फेमस कोट आइंस्टाइन का, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, राइट। सो उसने क्या है, आइंस्टाइन ने अपनी थियरी है वो जो है थॉट एक्सपेरिमेंट से, आपकी जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थॉट एक्सपेरिमेंट से आपने आइंस्टाइन ने अपनी थियरी दी थी, राइट। तो आइंस्टाइन वॉन्टेड टू डिसप्रूव इस थियरी, सो देर कम्स अ टाइम और एन इवेंट, उससे क्या है वो अपनी थ्योरी को डिसप्रूव कर सकता था, इफ दैट इवेंट कुड फॉल्सिफाई हिज थ्योरी, राइट, कुड रिजेक्ट हिज थॉट एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने क्या है, उसके बारे में डील करेंगे बाद में, द सोलर इक्लिप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सोलर इक्लिप्स के उन्होंने देखने की कोशिश की और उसके बेसिस पे क्या है, ही वॉन्टेड टू रिजेक्ट हिज थ्योरी, सो दैट इज द अप्रोच दैट ऑल द साइंटिस्ट शुड फॉलो, राइट। ठीक, नाउ यहां पे क्या है, कार्ल पॉपर ने एक तो फॉल्सिफिकेशन का कंसेप्ट दिया, डिडक्टिव अप्रोच का यूज करने का बोला और इंडक्टिव अप्रोच को क्या है क्रिटिसाइज किया, ही डिड नॉट वांट द साइंटिस्ट टू फॉलो द इंडक्टिव अप्रोच। सी यहां पे क्या है, कार्ल पॉपर का एम का था रिवाइज करना थियरी को, ठीक है, रिफॉर्म करना साइंटिफिक मेथड को और रिफाइन करना बाय क्रिटिसाइजिंग इट एंड बाय पुटिंग his own scientific approach that the scientist should follow. And third criticism kya diya Karl Popper ne is the perception
दैट साइंटिस्ट आर एब्सोल्युटली वैल्यू न्यूट्रल इन नेचर, वैल्यू न्यूट्रैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, कार्ल पॉपर सेज कि जो साइंटिस्ट हैं दे आर driven by preconceived notions. ठीक है, बिफोर साइंटिस्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल डिटैच्ड और डिसइंटरेस्टेड मैनर में ऑब्जर्व करते हैं, फैक्ट्स को गैदर करते हैं और देन दे कम अप विद अ थ्योरी. रादर उनका जो है एक प्री कंसीव्ड नोशन रहता है, उनका एक जो है सबकॉन्शियस, देर इज ऑलवेज प्री कंसीव्ड नोशंस विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स. इट कुड बी बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स. ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसका, साइंटिस्ट का, राइट, वो मैटर करता है. ही माइट be a follower or he might be inspired by a particular professor of his, right. ठीक है, और खुद का उसका वर्ल्ड व्यू क्या है. ठीक है, खुद की उसकी सोच क्या है कि वो ट्रुथ को और नेचर को और रियलिटी को कैसे परसीव करता है, राइट, हिज वर्ल्ड व्यू और हिज ओन नोशन ऑफ परसीविंग रियलिटी, राइट. सिमिलरली आइडेंटिटी, ठीक है, वो भी मैटर करता है, राइट. आपका किस एनवायरनमेंट, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, दैट आल्सो डिटरमाइंस हिज इंटरेस्ट, राइट, और दिस प्री कंसीव्ड नोशंस और दिस प्री कंसीव्ड बिलीव और दिस सर्टेन अजम्पशन दैट ही टेक्स, राइट. सो साइंटिस्ट इज नॉट एब्सोल्युटली वैल्यू न्यूट्रल इन नेचर, राइट. तो ही सेज कि वैल्यू न्यूट्रैलिटी इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, वैल्यू न्यूट्रैलिटी की जरूरत भी नहीं है साइंटिस्ट को, राइट. व्हाट ही सेज कि सी ये जो एक जो साइंटिफिक मेथड को क्या है, साइंटिफिक मेथड ने एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड ही फॉलो करना कि ऑब्जर्व करो फैक्ट्स को देन कम अप विद थियरीज, राइट, ऑब्जर्व द डेटा एंड देन कम अप विद थियरीज. ही सेज that this should not be rigidly followed. ये जो rigidity है science से, that is not at all required or neither desirable or neither it is efficient, right? It won't contribute to the progress of science. So he says, यहाँ से एक important concept आता है कि science, जो scientist का है उसको ideas क्या आ सकते हैं, various forms में उसको ideas आ सकते हैं. Some ideas क्या है, could come in his dreams और विजन्स. ठीक है, सम आइडियाज कुड कम एज ए मैटर ऑफ हिज हंच, कुछ उसको हंच होगा उसको फॉलो करना चाहिए, राइट, उसको. सिमिलरली दीज आइडियाज कुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन, इसको हम डिस्कस करेंगे, हाउ कुड दीज आइडियाज बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन, राइट. सिमिलरली बाय लक और बाय चांस ही माइट स्टम्बल अपॉन समथिंग and he might want to pursue it, right, ki I have stumbled across something concrete and something good and I should try to verify whether this my hunch or the thing I stumbled upon is whether it is correct or not, right. So there could be multiple ways or approach, theek hai, honi chahiye scientific jo scientific jo process hai usme, right, it should not be rigid, it should not be confined, theek hai. So these are multiple things which could drive a scientist in order to pursue a particular theory or particular vision, right. ठीक है, similarly consciousness, ठीक है, see dreams, उसको ऐसा कुछ dream आ जाए. see most of the आप अगर आप movie makers को देखेंगे, especially Christopher Nolan को, ठीक है, some of the movies वो एक्चुअली कंसेप्चुअलाइज्ड हुई थी उसकी ड्रीम्स में. सी ड्रीम्स क्या है, मे बी कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे कॉन्शियसनेस बिल्कुल डिफरेंट, इट इज़ ऑन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, राइट. सम ब्रिलियंट आइडियाज कम अप इन ड्रीम्स विच नॉर्मल ह्यूमन बींग कुड नॉट इवन थिंक अबाउट व्हेन इज एक्चुअली व्हेन इज नॉट असलीप, राइट.
that is a normal process. The dreams break this this confinement of our thoughts. क्या है? Multiple thoughts आते हैं dreams में, right? तो क्या है, कुछ ऐसे जो scientists हैं, स्पेशली हमने क्रिस्टोफर नोलान की जो बात की, जो मूवी उन्होंने इंसेप्शन बनाई थी, इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ड्रीम और अ विजन, राइट? एंड ही ट्राइड टू बिल्ड अपॉन हिज ड्रीम. जो जितने भी आपके जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स और थिंकर्स हैं, सम ऑफ द आइडियाज और सम ऑफ द ब्रिलियंट थियरीज दैट दे पुट फॉरवर्ड, दे इट केम इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, राइट? सिमिलरली हम ड्रीम्स की बात करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं. So you might heard of a famous Indian mathematician who goes by the name Ramanujam. Right? इनको क्या बोला जाता है? Divine mathematician बोला जाता है. ठीक है. See, रामानुजन की आप बायोग्राफी देखोगे तो वो बोलते हैं कि जो देवी माँ थी, राइट, द मदर गॉडेस, ठीक है, शी यूज टू केम इन हिज ड्रीम्स एंड टू रिवील टू हिम द वेरियस मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है. सो दोज हिज मैथमेटिकल वर्क इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज ड्रीम्स और हिज सी इट कुड बी पॉसिबल दैट ही वॉज ब्रॉट अप इन अ सर्टेन सोशल कंटेक्स्ट फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलीजन. सो दैट देवी would have been a manifestation or a representation of his own consciousness which is working on a different level altogether or different consciousness level, right? So similarly aapko koi hunch ho sakta hai, right? Usko follow karo aap, ye jo dreams mein aaye usko follow karo, theek hai, usko put karo test ko, right? Try to falsify, use this falsification approach, or it might be a product of luck, chance, or you stumble upon something by luck. इसको आप बोलते हैं सेरेंडिपिटी. सी नॉर्मली क्या है कि ये कंसेप्ट सेरेंडिपिटी डिस्कस नहीं किया जाता है लेक्चर्स में, लेकिन यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था 10 मार्कर का, राइट? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेरेंडिपिटी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर क्लूलेस अबाउट इट, ठीक है. सो सेरेंडिपिटी का जो बैकग्राउंड है, जो कंटेक्स्ट आया है, वो यहीं से ही आया है आपका, द क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड से, सेरेंडिपिटी, राइट? कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आइंस्टाइन की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल टुगेदर. ही यूज्ड टू कंडक्ट वेरियस थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड देयर आर सम कंस्पिरेसी थियरीज, आई डोंट नो वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, कि सी साइंटिस्ट आपका जो आइंस्टाइन था, ही वॉज अ फ्रीक्वेंट स्मोकर, राइट? ही वॉज अ हैवी स्मोकर, वो पाइप लेके बैठे रहते थे, यूज टू सिट इन हिज चेयर, और उन्होंने बोला भी है, ही वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो स्मोकर्स क्लब ऑल्सो, कि ही सेड कि स्मोकिंग समटाइम्स एलिवेट्स टू मे डिफरेंट लेवल ऑल टूगेदर एंड इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग माई थॉट एक्सपेरिमेंट्स, राइट? इसका क्रिटिसिजम भी है, राइट? सब कुछ ये भी बोला जाता है कि समटाइम्स यूज टू कंज्यूम वीड एज ऑल्सो टू रीच टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. नॉट द मेन थिंग इज कि देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कुड कम अप विद दिस थियरी, राइट? यू डोंट हैव टू फॉलो दिस वन पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है. सो उन्होंने क्या है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से क्या है, क्रिटिक दिया साइंटिफिक मैथड का कार्ल पॉपर ने, राइट? सेकेंड हम क्रिटिक देखते हैं साइंटिफिक मेथड का, दैट वॉज गिवन बाय थॉमस कून. थॉमस कून ने जो बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक Revolutions. ठीक है. सो इन दिस बुक ही ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ साइंस, राइट? ही ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ साइंस, और जब वो हिस्ट्री ट्रेस करते हैं साइंस के, तो वो क्या बोलते हैं कि साइंस, ठीक है, गोज थ्रू बेसिकली 3 फेसेस, 3 फेसेस,
एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइकिल. ठीक है, द फर्स्ट फेस इज द फेस ऑफ नॉर्मल साइंस. ठीक है, सेकेंड फेस क्या होगा? क्राइसिस ऑफ साइंस. हम एक एक करके पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है. एंड द थर्ड फेस इज साइंटिफिक रेवोल्यूशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये क्या है. सी, ये क्या होगा? नॉर्मल साइंस होगा एक पर्टिकुलर साइंटिफिक फेस और एक पर्टिकुलर साइंटिफिक इरा होगा. ठीक है, इसको क्या बोला उन्होंने, थॉमस कून ने इसको बोला एक पर्टिकुलर इरा को और पर्टिकुलर साइंटिफिक फेस को बोला पैराडाइम. ठीक है, थॉमस कून बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पैराडाइम में क्या है, और जो इस पैराडाइम से और जो इस फेस से और इस इरा से जो साइंटिस्ट बिलोंग करते हैं, दैट इज द साइंटिस्ट हु बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पैराडाइम, दैट इज द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ दिस फेस. ठीक है, दे फॉलो और दे बिलीव इन पर्टिकुलर सेट ऑफ थियरीज. ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ थियरीज, मेथड्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. ठीक है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो इस साइंटिफिक इरा में, इस साइंटिफिक फेस में जो डिफरेंट साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और जो इस पैराडाइम में, वो एक पर्टिकुलर क्या है, दे बिलीव इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ थियरीज एंड हाउ द रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च इज कंडक्टेड, द मेथड यूज और द टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. सो दिस इज अ साइंटिफिक कम्युनिटी एंड दिस साइंटिफिक कम्युनिटी इन दिस पैराडाइम हैज अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल फिजिसिस्ट, हमने देखा कि फिजिक्स की एक दो ब्रांचेज है, पहले क्या थी, क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, एंड द क्लासिकल फिजिक्स वाज इंस्पायर्ड बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फेस होगा, इसमें जो फॉलोअर्स होंगे, राइट, द साइंटिफिक कम्युनिटी होगी, इट दे विल ऑल बिलीव इन दिस थियरीज ऑफ न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, राइट. वो सब के सब इसमें बिलीव करेंगे. ठीक है, और दे विल टेक द थियरीज. ठीक है, द थियरीज और बेसिक्स और फंडाज और कंसेप्ट्स ऑफ दिस पैराडाइम फॉर ग्रांटेड. ठीक है, दे नेवर क्वेश्चन द अंडरलाइंग अजम्पशंस. ठीक है, अंडरलाइंग अजम्पशंस को वो क्या है, कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं. ठीक है, और ये क्या है, ये जो थियरीज एक कोर देती हैं और इसी पे बिल्डअप होते हैं साइंटिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स और डिफरेंट डिफरेंट थियरीज. तो इस पैराडाइम में क्या है, ये जो थियरीज मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे फॉर्म अ कोर, राइट, और इसी को फॉलो करते जो साइंटिस्ट है अपनी खुद की थियरीज प्रपोज करते हैं. ठीक है, खुद के साइंटिफिक पजल्स सॉल्व करते हैं, राइट. नाउ न्यूटन के बाद जो उस फेस में जितने भी डिफरेंट फिजिसिस्ट आए होंगे, उन्होंने सबने क्या है, बिलीव किया होगा न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है, और उन्होंने अपनी जो फर्दर जो रिसर्च है मैकेनिक से रिलेटेड, मोशन ऑफ बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, वो है इस पे बिल्डअप हुई होगी, राइट. दे मस्ट हैव टेकन दिस थियरीज, राइट, दिस फंडाज और कंसेप्ट फॉर ग्रांटेड, और उसको क्या है, कभी क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की, और अपनी जो खुद की साइंटिफिक थियरीज है रिलेटेड टू मैकेनिक्स, दे वर फर्दर बिल्ड अपॉन दैट. ठीक, तो वो बोलते हैं कि देयर कम्स अ स्टेज
कि जब इसमें क्या आ जाता है, क्राइसिस आता है, क्राइसिस ऑफ साइंस. सी जो थियरी फॉलो कर रहे हैं, पैराडाइम फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैराडाइम फॉलो कर रहे हैं साइंटिस्ट, और अपने अपने पजल्स और साइंटिफिक थियरी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दे कम अक्रॉस सर्टेन एनोमलीज. ठीक है, कुछ ऐसे गैप्स आ जाते हैं. ठीक है, सर्टेन गैप्स और सर्टेन साइंटिफिक थियरीज विच कुड नॉट बी फॉलोड, और सर्टेन साइंटिफिक पजल्स विच कुड नॉट बी सॉल्वड. ठीक है, जब ये एनोमलीज हैं, जब ये जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ जो पैराडाइम है जो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये जो थ्योरी का बिल्डअप हो रहा है वन आफ्टर द अनदर, वो अगर वो क्या है क्या है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, और ये जो थ्योरीज हैं ये एड, ये जो एनोमलीज हैं ये एडअप होती जा रही है. राइट, ये जो गैप्स एक्सप्लेनेशन में ये एडअप होती जा रही है. समथिंग विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, सम परस्यूट और सम रियलिटी और सम एक्सटर्नल ट्रूथ विच कुड नॉट बी जस्टिफाइड और एक्सप्लेन्ड बाई यूजिंग द थियरीज मेथड एंड अप्रोच ऑफ अ पर्टिकुलर पैराडाइम. ठीक है, तो ये एनोमलीज क्या है, धीरे 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 करके एडअप होती रहती हैं. ठीक है, तो इसके बाद वो बोलते हैं क्राइसिस आ जाता है, सेकेंड स्टेज क्राइसिस आ जाता है. ठीक है, और क्राइसिस यही आता है कि ये नई थियरीज को, नई प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, बिकॉज एग्जिस्टिंग सेट ऑफ थियरीज आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज अपकमिंग न्यू प्रॉब्लम्स और दीज न्यू एनोमलीज दैट आर देयर इन द ओल्ड स्ट्रक्चर. सो हाउ कुड वी सॉल्व दिस, तो क्या है, क्राइसिस आ जाता है और साइंटिस्ट ऑफ दैट पैराडाइम दे स्टार्ट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस. सी बात आ रही है ना, कॉन्फिडेंस की बात आ गई बिलीफ की. ठीक है, they believed in a certain set of theories, they took these basic fundas or concepts of theory for granted, they never questioned these, they had an underlying assumption. So science is not as critical. ठीक है, science is not as critical as the scientist claimed, right? So जो उस paradigm के जो scientist है वो accept करते हैं rather. ठीक है, तो वंस ये क्राइसिस आता है तो कॉन्फिडेंस स्टार्ट शेकिंग अप. उसके बाद होता है साइंटिफिक रेवोल्यूशंस. ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में क्या है, न्यू सेट ऑफ थियरीज आती हैं विच कुड जनरेट आर मोर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, विच कुड सॉल्व दीज एनोमलीज, विच कुड सॉल्व दीज गैप्स इन एक्सप्लेनेशन, और विच कुड सॉल्व दीज साइंटिफिक पजल्स. राइट, तो न्यू थियरीज आती हैं, न्यू अप्रोच आ जाती है. ठीक है, न्यू फंडाज आते हैं, न्यू कंसेप्ट आते हैं. ठीक है, नए नए लॉज डिस्कवर किए जाते हैं. ठीक है, नए मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट पैराडाइम ऑल टुगेदर. राइट, तो यहां से ये बोलते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद क्या, साइकिल रिपीट होती है. बट क्या होता है, पुराने में नहीं जाते, रादर ओल्ड नॉर्मल इज रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉर्मल. ठीक है, तो ओल्ड नॉर्मल जो था, नॉर्मल साइंस 1 था, इट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल साइंस 2 आफ्टर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बिकॉज ये फर्दर पैराडाइम बनेगा. राइट, अगेन फिर से क्या, ये कंटिन्यू करेगा कुछ फेस के लिए, फिर अगर ये नहीं कुछ नहीं जस्टिफाई किया कर पाएगा तो फिर एनोमलीज आएंगी, देन दे कुड कम अप विद सर्टेन क्राइसिस, और उसके बाद क्या, नए साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगी, एक नया फेस जनरेट होगा, दैट इज अ न्यू नॉर्मल, फिर से नॉर्मल आएगा. राइट, तो ये जो है ये कुछ नॉर्मल साइंस का फेस रहता है, ईरा रहता है. राइट, एक पैराडाइम होता है एक पर्टिकुलर, उसमें तो ओल्ड नॉर्मल इज रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉर्मल. तो यहाँ पे क्या, पैराडाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, फ्रॉम वन पैराडाइम वी आर मूविंग टू द अनदर पैराडाइम. तो इसको इन्होंने बोला पैराडाइम शिफ्ट. ठीक है, तो इसमें कहने की क्या बात है, कि कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है. राइट, हमने पैराडाइम शिफ्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं. सिंपल सी बात है कि पहला एक पैराडाइम था न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है,
ये हैवी बॉडीज के मोशन को तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, जस्टिफाई कर पा रही थी, लेकिन लोअर स्केल पे, लोअर लेवल पे, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स पे क्या हो रहा है, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कैसा मोशन हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये थियरीज, राइट। तो यहाँ पे क्या थी, एनोमलीज आ रही थी इनकी एक्सप्लेनेशन में, गैप्स आ रहे थे, तो दीज आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन फिजिक्स, तो वन पैराडाइम इज रिलेटेड कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय आइंस्टाइन फिजिक्स, राइट, और उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, और ये क्या है, आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे क्या हो रहा है, राइट, ठीक है। तो जो साइंटिफिक प्रोग्रेस का जो नोशन था, इन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज किया, ठीक है, ठीक। वो बोलते हैं कि पैराडाइम में क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। थियरीज क्या है, कोर थियरीज आती हैं, और इसी पे क्या है, साइंटिफिक जो कम्युनिटी इस पर्टिकुलर फेज की, इन थियरीज पे बिल्डअप करती रहती है, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन है उसका और ज़्यादा कंक्रीट होता जाता है, ठीक है। तो दीज थियरीज, जो न्यू सेट ऑफ थियरीज है उस पैराडाइम में क्या है, फर्दर बिल्डअप करती है, उस नॉलेज को ऑन एनहेंस करती है, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस एक लेवल तक ही होता है, ठीक है, और दिस एंटायर प्रोग्रेस विल बी रिप्लेस्ड बाय कंप्लीटली न्यू स्ट्रक्चर। तो वो एनालॉजी देते हैं कि जो क्रिटिकल, जो बात करते हैं कि साइंटिस्ट आर क्रिटिकल इन नेचर, वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ नॉर्म, people used to think that this is a norm and scientists always are critical in nature, science is critical in nature, it is quite reflective in nature, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, rather scientists are critical only at certain points of time, they are critical, otherwise they are mostly confirming, right? तो दे आर क्रिटिकल ओनली एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फेस ऑफ क्राइसिस ऑफ साइंस एंड ड्यूरिंग द कमिंग अप ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, हो रही है साइंस में, कंप्लीटली पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, बिल्कुल न्यू अप्रोच क्या है आ रही है साइंस में। तो बोलते हैं जो क्रिटिकल अप्रोच है, दैट इज नॉट अ नॉर्म, रादर दैट इज एन एक्सेप्शन, इट हैपन्स ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेजिज ऑफ साइंस, ओनली ड्यूरिंग सर्टेन पॉइंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। तो एनालॉजी देखते हैं बिल्डिंग वाला एक, ठीक है। तो पैराडाइम में क्या होता है कि जो कोर, जो साइंटिस्ट होता है, जो रिनाउंड साइंटिस्ट होता है, जो स्टार्ट करता है उस पैराडाइम को, वो उसकी क्या फाउंडेशन रखता है, नींव रखता है, राइट, और इसी पे क्या है, सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वेरियस जो साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं, जो अपने साइंटिफिक पजल्स और न्यू थियरीज हैं, एंड दीज न्यू थियरीज आर ऑलवेज इन कन्फर्मेशन दिस पर्टिकुलर पैराडाइम, सो दे बिल्ड अपॉन दिस फाउंडेशन एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ साइंटिफिक प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, राइट। नाउ थॉमस कून बोलते हैं कि जो गैप्स हैं, एनोमलीज हैं, वो इनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बिल्डिंग में क्या है, गैप्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, दोज आर एनोमलीज। नाउ इफ दीज क्रैक्स स्टार्ट एडिंग इन दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, इट माइट जिपर्डाइज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंटायर जो बिल्डिंग है कुड कम क्रम्बलिंग डाउन, राइट। लेकिन जो एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं एनोमलीज को क्या बोलते हैं, दीज एनोमलीज कुड ऑलवेज बी सॉल्व इन फ्यूचर यूजिंग द एग्जिस्टिंग पैराडाइम, हमेशा सॉल्व की जा सकती हैं, वी स्टिल डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, बट इट वी विल बी डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दैन विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू साइंटिफिक थियरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग पैराडाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, कमिंग ऑफ न्यू डेटा इन टू लाइट, राइट। सो दे से कि वी कुड सीमेंट दीज होल्स और सीमेंट दीज क्रैक्स, एंड द जो ये जो इंटीग्रिटी है बिल्डिंग की, दैट कुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। लेकिन वो जो कौन बोलते हैं कि एंटायर स्ट्रक्चर फॉल्स डाउन, राइट, दीज क्रैक्स और दीज एनोमलीज स्टार्ट एडिंग अप, इट जिपर्डाइज द बेसिक फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंटायर बिल्डिंग कम्स क्रम्बलिंग डाउन। सो दिस वॉज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ साइंस बाय थॉमस कून। सो क्रिटिसिज्म यही है
कि कुछ भी फाइनल नहीं है, देर आर पैराडाइम शिफ्ट्स और अंडरलाइंग अजम्पशंस होती है, वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं होती है, ठीक है। साइंटिस्ट आर नॉट दैट क्रिटिकल, जो जितना वो पोर्ट्रे करते हैं, रादर जो क्रिटिकल अप्रोच है दैट इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन रादर देन अ रूल, दैट इज नॉट अ नॉर्म, ठीक है। साइंटिस्ट आर कन्फर्मिस्ट इन नेचर, दे कन्फर्म टू द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ थियरीज एंड दे आर सो एडमेंट अबाउट दिस एग्जिस्टिंग सेट ऑफ थियरीज दैट दे बिकम टोटलिटेरियन इन नेचर, राइट। दे स्टार्ट रिजेक्टिंग द अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ और अदर रियलिटीज ऑफ ट्रूथ, ठीक। सो दिस वॉज द क्रिटिसिजम बाय थॉमस कोन। सी अब हम पढ़ते हैं पॉल फ्रेरा बैंड के बारे में, ठीक है। पॉल फ्रेरा बैंड, सी पॉल फ्रेरा बैंड वॉज अ स्टूडेंट और डिसाइपल ऑफ कार्ल पॉपर, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है अगेंस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेव अ क्रिटिक। हमने पढ़ा था कि साइंस साइंटिफिक मेथड क्या है, पर्टिकुलर एक ही सिंगल मेथड फॉलो करता है, और जो ये सिंगल अप्रोच और स्पिरिट और मेथड फॉलो करेगा, ये जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, दैट लीड्स टू वट, दैट लीड्स टू अ साइंटिफिक स्पिरिट एंड दैट इज कॉल्ड एज साइंस। हमने यूनिटी ऑफ मेथड पढ़ा था, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मेथडोलॉजिकल मोनिज्म, मोनिज्म मतलब वन सिंगल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इसी को क्रिटिसाइज किया, मेथडोलॉजिकल मोनिस्ट अप्रोच ऑफ द साइंसेज, कि देर इज ओनली वन सिंगल मेथड, देर इज अ सर्टेन, यू कुड से कि सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन प्रोसेसेस, राइट, सर्टेन गाइडलाइंस, एंड यू शुड कंडक्ट योर मेथडोलॉजी इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, इन अ डेफिनेट वे, ठीक है। तो ये बोलता है कि इससे क्या होता है, इट लिमिट्स द साइंटिस्ट फॉलोइंग दिस ओनली वन मेथड, ये बोलता है इट लिमिट्स द साइंटिस्ट, राइट। इट काइंड ऑफ शैकल्स, इट पुट्स द साइंटिस्ट इन शैकल्स और चेन, ठीक है। इट कम्स द फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी ऑफ द साइंटिस्ट फॉलोइंग दिस डेफिनेटिव पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज अप्रोच, राइट, फॉलोइंग दिस सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट द साइंटिस्ट क्लेम्स विच मेक themselves डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर disciplines, ठीक है। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी को कर्व कर देता है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाता साइंटिस्ट, ठीक है, लिमिटेड है उसकी सोच, बिकॉज ही इज बीइंग कंस्ट्रेंड बाय दिस यूनिटी ऑफ मेथड और द मेथडोलॉजिकल मोनिज्म, राइट। ओनली दीज थिंग्स यू शुड फॉलो इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक। तो रादर ही सेज, ये फेमस टर्म बोलते हैं, देते हैं, एनीथिंग गोज, सब चलता है, ठीक है। Now his aim was to break these shackles, to break these confinements of the scientist, ठीक है। तो he says anything goes, right? Use all the tricks possible in your armory, ठीक है। हमने देखा कि कार्ल पॉपर ने बोला hunches, dreams, visions, right? Consciousness, various kind of religion based motivation, ठीक है, रामानुजम। सो देर आर मल्टीपल मेथड्स और मल्टीपल वेज इन विच यू कुड कम टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रूथ, राइट। यू शुड नॉट बी कंबाइंड टू दिस पर्टिकुलर और वन सिंगल मेथड, राइट। तो ही सेज कि एनार्की ले आओ, ठीक है,
शैकल्स को ब्रेक करो तो एनआर की ले आओ, कुछ भी डेफिनेट मत रखो, यूज ऑल द ट्रिक्स पॉसिबल, यूज ऑल द वेज पॉसिबल, यूज ऑल द परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. सो ही सेज ही एडवोकेटेड फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल. सी दीज आर ऑल कीवर्ड्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ पॉपर, राइट, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस ऑफ कून, एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म ऑफ फ्रेरा बैंड, दीज आर ऑल कीवर्ड्स and you should definitely include these keywords in your answers, right? Methodological monism. So he advocated for epistemological anarchism. Thick. Second. ठीक है. Second क्या है? इन्होंने support किया क्यों उनकी theory को? He supported Kuhn's theory of पैराडाइम. कि एक सिंगल सेट, एक पैराडाइम होता है, उसी में क्या है पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो व्यू पॉइंट है, जो वर्ल्ड व्यू है, इस पैराडाइम में लिमिटेड है. उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है. इसमें इन्होंने क्या एक एडिशन किया, ठीक, कि वो बोलते हैं कि पर्टिकुलर पैराडाइम में साइंटिफिक प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है, रादर बोलते हैं कि इट स्टाइफल्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है, इट स्टाइफल्स द साइंटिफिक प्रोग्रेस. कैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस को? स्टाइफल कर देते हैं. बिकॉज ही सेज दैट द न्यू इनकमिंग थियरीज विच वायलेट द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द करंट पैराडाइम विल बी कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द existing scientific community. ठीक है. So new theories which have a different set of perspectives, right, which have a very different approach, right, which completely speaks out of the current world view, जो scientist का world view है, community का world view है, उससे बाहर की बात करता है. So वो बोलते हैं कि these are quite radical ideas. उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते साइंटिस्ट, रादर उनको उन जो है साइंटिफिक थ्योरीज को कम्प्लीटली रिडिक्यूल कर देते हैं, राइट, बोलते हैं कि दीज थिंग्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल एंड दिस इज जस्ट सम मंबो जंबो, राइट. सो दीज न्यू इनकमिंग थ्योरीज आर कम्प्लीटली रिजेक्टेड बाई दिस पैराडाइम एंड इट काइंड्स ऑफ स्टाइफल्स योर साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक. तीसरा, उन्होंने कार्ल पॉपर के जो फॉल्सिफिकेशन अप्रोच है, राइट, जो कार्ल पॉपर ने बोला कि यूनिवर्सल थियरीज आर जस्ट नॉट पॉसिबल, ही सपोर्टेड दिस, यूनिवर्सल थियरीज आर नॉट पॉसिबल. सी जो फ्रेरा बैंड थे, ही वॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इन द aftermath ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, टोटेलिटेरियन काइंड ऑफ व्यू था, राइट, नाजी जर्मनी था, तो फासिज्म था, तो उसमें क्या है जो डिफरेंट व्यू पॉइंट है उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा था, राइट, डाइवर्सिटी को स्पेस नहीं मिल पा रहा था. तो दिस काइंड ऑफ दिस सोशल कंटेक्स्ट रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क्स ऑल्सो, ठीक. सो बाय वन इसको रिजेक्ट कर दिया यूनिटी ऑफ मेथड को, उन्होंने फिर इसको बोला कि साइंटिफिक प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, राइट, दैट इज ऑल्सो बींग स्टाइफल्ड. थर्ड, उन्होंने बोला यूनिवर्सल थियरीज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक. तो उन्होंने बोला 1+2+3, जब ये सब हो ही नहीं रहा, ना यूनिवर्सल थियरीज पॉसिबल, ना सिंगल मेथड है, और साइंटिफिक प्रोग्रेस भी क्या है, इट इज अ मिसकंसेप्शन, राइट, देन हाउ कुड साइंस claim its superior status, right? How could science say that it is superior to other methods or other humanities discipline, social sciences discipline, right? It is superior to them because वो क्या है, ज़्यादा रियलिटी को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं और उसको अच्छे से समझा पाते हैं. इट कैप्चर्स ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी. जो बोल रहे हैं, जब ये सब हो ही नहीं रहा है, ना तो यूनिटी ऑफ मेथड है, पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से ये साइंस का राइज हुआ था, वही नहीं है, दैट इज फॉल्स, यूनिवर्सल थियरीज भी नहीं है, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन, देन हाउ कुड साइंस क्लेम्स इट सुपीरियर स्टेटस.
in the hierarchy of various disciplines. Science considers it as the top of these disciplines, right? Physics and mathematics lies at the top of the structure. So how could they claim that they have superior status, right? And others, especially the humanities or philosophies of science, are subservient to them. They do not explain the truth in a justified manner. तो उन्होंने इसको reject कर दिया scientific claim को, because वो बोलते हैं कि it is a kind of a repressive view. Dissent नहीं है यहाँ पे, क्या dissent allowed ही नहीं है, ठीक है? It is a kind of repressive totalitarian view. ठीक है, science becomes repressive and totalitarian in nature when it considers itself as superior, or when it considers itself as absolutist, that their explanation of truth is the only truth, and their conception of reality and justification and explanations of the various phenomena of reality, that is the only explanation possible, right? So he kind of rejects that. Ek inhone second book likhi, ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्रिटिक ऑफ साइंस के वे से ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है? इसमें इनका पोस्ट मॉडर्निज्म दिखता है. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, हम पढ़ेंगे जब थियरीज के बारे में पढ़ेंगे. ये बुक, ही रोट अ बुक कॉल एज फेयरवेल टू रीजन, ठीक है, फेयरवेल टू रीजन. वो बोलते हैं कि रीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रैशनैलिटी, रिनेसेंस, ठीक है, एंड द इनलाइटनमेंट फेसेस. हमने देखा ना कि जो मॉडर्निटी आई थी यूरोप में, वेरियस फेसेस में जो मॉडर्निटी आई थी, वो बोलते हैं कि रीजन क्या है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है, राइट? और ये बोलते हैं कि सिंस दिस मॉडर्निटी परवेडेड ऑल द स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू था, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को इसने पूरा का पूरा शेप किया, ठीक है. Religion declined, secularization of society happened, science attained its superior status, ठीक, rationality pervaded through all the aspects of the society, reason became the central theme of organization of life, right? तो वो बोलते हैं कि this thing led to what he calls as cultural imperialism. और कल्चरल हेजमनी ऑफ द वेस्ट, ठीक है, द पीपल ऑफ द वेस्ट दे कंसिडर थिंकिंग देम एज सुपीरियर, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या था, इसका बाय प्रोडक्ट था दैट सिंस दे आर सुपीरियर दे शुड गो ऑन सिविलाइजिंग मिशन, दे शुड गो ऑन कॉलोनाइजिंग अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू स्प्रेड देयर ओन methodology or their own scientific thinking, right? Or their own thinking of reason. And इससे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि colonization होना start हो गया. Racism क्या है, racism यही तो है कि considering other people inferior. Social Darwinism क्या बोलता है कि we are the superior race. तो ये जो aggression कहाँ से आया इन्होंने, उन्होंने बोला कि this cultural imperialism or hegemony is related to scientific imperialism. यही वाला इंपीरियलिज्म, साइंस कंसिडरिंग इट्सेल्फ एज सुपीरियर, साइंस कंसिडरिंग इट्सेल्फ एज टोटलिटेरियन, द व्यू इज एब्सोल्यूट, इट इज द ओनली ट्रूथ, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ बिल्ड काइंड ऑफ लेड टू कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल हेजमनी, सुपीरियर. और ये क्या, कॉलोनाइजेशन हुआ, रेसिज्म डेवलप हुआ, और वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, इसको अपने कल्चर को वो है दे स्टार्टेड. और इसमें नियो कॉलोनियलिज्म भी जोड़ लीजिए, नियो कॉलोनियलिज्म. थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस द वेस्टर्न कल्चर्स कंसिडरिंग देमसेल्फ एज सुपीरियर, दे वेंट ऑन सिविलाइजिंग मिशंस, दे वेंट फॉर कॉलोनाइजेशंस एंड दे कंसिडर देमसेल्फ एज सुपीरियर, राइट? तो वो बोलता है कि सी, इसको लिंक कर सकते हैं आप, उससे भी लिंक कर सकते हैं, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल चेंज में डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरीज पढ़ेंगे, उससे भी लिंक है ये वाला कंसेप्ट. तो वो बोलता है इससे बाइफर्केशन हो गया दो, उसमें एक डेवलप्ड कंट्रीज, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज,
एंड दीज आर बींग लुक डाउन अपॉन बाय दीज वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो वो बोलते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, इसकी वजह से क्या है, कल्चरल हेजेमोनिज़ कल्चरल इंपीरियलिज्म वेस्ट की वजह से क्या है, एक काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कल्चर आ रहा है, ठीक है। जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है, जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, इट इज बींग थ्रेटन्ड, राइट, ठीक है। आपके फ्रेरा बैंड बोलते हैं कि देर आर सो मैनी डाइवर्स कल्चर, राइट, डाइवर्सिटी इज ब्यूटिफुल इन नेचर, यूनिफॉर्मिटी इज काइंड ऑफ इट इज बैड, ठीक। वो बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है जो प्रोपगेट हुआ थ्रू दीज वेरियस मैकेनिज्म्स, ठीक है, इससे क्या है, ये जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है ना, ये डिस्ट्रॉय हो रही जा रही है। देयर ओन कल्चर, देयर ओन डिस्टिंक्टिव लैंग्वेजेस, देयर ओन डिस्टिंक्टिव लाइफस्टाइल, दे हैव स्टार्टेड वैनिशिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और कल्चरल इंपीरियलिज्म और कल्चरल हेजेमनी ऑफ द वेस्ट, राइट। तो बोलते हैं ये जो डाइवर्स कल्चर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो क्वाइट रैशनल इन नेचर, राइट, दीज आर ऑल्सो, जब हम बात करते हैं डोर्खाइम की, राइट, डोर्खाइम भी यही बोलते हैं, राइट, जो डिफरेंट कल्चर्स क्या है, उनका क्या है, एक कंटेक्स्ट है, दे आर फंक्शनल, ठीक, जो कल्चरल्स हैं, जो कल्चर्स हैं, दे क्या, दे आर फंक्शनल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कल्चर। तो ये जो कल्चर है, दे गिव मीनिंग टू द लाइफ, ठीक, दे गिव मीनिंग टू द लाइफ्स ऑफ पीपल, राइट। इस कल्चरल कंटेक्स्ट में ही वो जो लोग हैं सर्वाइव करते हैं, डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, और इवन द डेंजरस ऑफ एनवायरनमेंट्स में दे कुड सर्वाइव, बिकॉज ये जो डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है, कल्चर्स में, दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। तो अब क्या आ रहा है, कि इनको लुक डाउन करना कैसे बेकार है, वाई आर दे बींग स्टिल रैशनल एंड एडवांस्ड। अब ट्राइबल्स को देखो, ट्राइबल्स हैव अ यूनिक नॉलेज, व्हेन द सुनामीज केम द अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल्स, दे हैव सर्टेन यूनिक नॉलेज थ्रू विच दे कुड हैव आइडेंटिफाइड, इन एडवांस, दे कुड हैव प्रिडिक्टेड द सुनामी इन एडवांस एंड दे मूव्ड अप टू सर्टेन हायर रीजन्स, राइट। तो दे मस्ट बी हैविंग सम सुपीरियर नॉलेज, देयर कल्चर इज यूनिक, सो वाई शुड यू पास दिस वैल्यू जजमेंट दैट वेस्टर्न कल्चर्स आर अ सुपीरियर, दिस इज ओनली ड्यू टू साइंटिफिक इंपेरियलिज्म, राइट। ट्राइबल्स की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं, उनके पास कुछ ऐसे ऐसे मेडिसिन है जिससे क्या है, इवन द साइंटिफिक कम्युनिटी डोंट नो अबाउट दिस मेडिसिन, राइट। तो जो पेटेंटिंग का कंसेप्ट हुआ, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या हुई, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। So they have very unique way. They are also quite rational in nature. Their culture is meaningful to them. Their culture is not something which should be looked down upon. You should not pass a racial or value judgment comments about their culture, right? Tribals. Similarly, Ayurveda, Yoga. Now, इनका recognition क्या है? Western world ने भी अपनाना start कर दिया है. सिंपल अभी एग्जाम्पल, अभी जो जो डिबेट चल रही है बिटवीन एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वट अकॉर्डिंग टू फ्रेयर बैंड इट कुड हैव बीन अ काइंड ऑफ इन विच द एलोपैथिक जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स दे शो देयर सुपीरियोरिटी ओवर द आयुर्वेदिक साइंसेज अकॉर्डिंग टू पॉल फ्रेयर बैंड इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी दैट्स नॉट वट आई एम सेइंग योगा सिमिलरली योगा It is being adopted in the West, right? So these practices of the global South is being adopted by the people of the global North. Thik? Similarly, Buddhism, the meaning of, or Taoism, or the Indian spiritualism is being fast adopted by the people of the West because these cultures was also quite advanced. They were unique in nature. So, ऐसा नहीं है कि हमें क्या है ये मोनोपोलिस्टिक कल्चर को क्या है स्प्रेड करना है, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया आपका पॉल फ्रेरा बैंड ने, राइट। सी अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट से साइंटिफिक मेथड का। सबसे पहले वैल्यू न्यूट्रलिटी रिजेक्ट हो चुकी है, हमने देखा
साइंटिस्ट की वैल्यू न्यूट्रैलिटी इतनी नहीं है और ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, दे आर ऑल ड्रिवन बाय देयर ऑल प्री कंसीव्ड नोशन दैट इज बीइंग रिजेक्टेड. देन मैथडोलॉजिकल मोनिज्म और यूनिटी ऑफ मैथड और साइंस इज ऑल्सो बींग रिजेक्टेड. देन इंडक्टिव अप्रोच ऑफ साइंस, इसको भी रिजेक्ट कर दिया हमने, राइट. जनरलाइजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, यूनिवर्सल थियरीज वो बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉज की बात करते हैं, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. बात किया हमने प्रॉपर फॉल्सिफिकेशन की, राइट. फिर बोलते हैं कि साइंटिस्ट आर क्वाइट क्रिटिकल इन नेचर, इसको भी रिजेक्ट कर दिया थॉमस कोन ने. व्हेन ही सेज साइंटिस्ट आर नॉट दैट क्रिटिकल, दे आल्सो हैव सर्टेन अंडरलाइंग अजम्पशन, दे टेक फैक्ट्स फॉर गारंटीड, राइट. सिमिलरली इंपीरिसिज्म को भी क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो गया. सी इंपीरिज्म का एक तो हमने देखा कि कन्फर्मेशन बायस, यू इंटरप्रेट डाटा एज पर योर ओन कन्वीनियंस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर थियरी, राइट. ठीक है, यू डिस्कार्ड द काइंड द कॉन्ट्राडिक्टरी सेट्स ऑफ डेटा, राइट. प्लस इंपीरिसिज्म हमने देखा कि सेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है. नाउ सी, सेंसेस के बेसिस पे वो ऑब्जर्व करता है डेटा को और फिर देन थियरीज का जनरेशन होता, राइट. नाउ इसका क्रिटिक क्या है? सी, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आए, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो आए, सी हम जब पॉजिटिविज्म देखेंगे और उसका क्रिटिक देखेंगे, सी पॉजिटिविज्म इज स्पेशली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. तो जब पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम वेरियस सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक वाज साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक. सेकंड वाज पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक और नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी. सो दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स, बट ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस, ये जो क्रिटिक्स हैं, राइट, ये आप क्या है जनरली अपने आंसर्स में डालना और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करना, मल्टीपल डायमेंशन डालना. यहाँ से आपने 6-7 पॉइंट्स उठाए होंगे. पॉजिटिविज्म से भी आपको 7-8 अलग अलग डिफरेंट क्रिटिक्स देखने को मिलेंगे, राइट. व्हेन यू कुड ऐड अप ऑल दिस क्रिटिक्स, राइट, यू विल कम अप विद सम 14-15 पॉइंट्स. सो इट इज इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस एज टू व्हाट सेट ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स यू वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड इन योर आंसर्स, राइट. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं और फिनोमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, कि पीपल, ठीक है, पीपल सी रियलिटी इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, ये बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिस्ट. एंड दिस वाज आल्सो अडॉप्टेड टू एन एक्सटेंट बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट. पीपल सी रियलिटी इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक, they impose their own meanings, ठीक है, अपने meanings को impose करते हैं on the external reality, ठीक है. Even external reality is constructed by humans. अगर हम किसी को chair बोल रहे हैं तो चेयर का जो है, इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंबल, राइट. चेयर इज अ सिंबल, द इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर द इंटरनल कॉन्शियस और हाउ द मैंस इंटरनल कॉन्शियस सी दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट. सो फिनो, ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि डिफरेंट जो पीपल हैं, दे कुड सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. सिमिलरली दिस गोज फॉर साइंटिस्ट एज वेल. Different scientists see the natural world in different ways and they could impose different logics on this world, right? Simple example, Einstein general theory of relativity, ठीक है. Einstein एक simple experiment बोला, ठीक, ये observer 1 मान लो, ये observer 2 मान लो
एंड दिस इज द पर्सन हु इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दीज टू पीपल आर सिटिंग इन द ट्रेन. ठीक है, तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस एंगल से उस चीज को देख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इस पर्सन के हिसाब से दिस पर्सन इज मूविंग बिकॉज ही सिटिंग इन अ ट्रेन, राइट. सो हीज इन्फ्रेंसिस वुड बी क्वाइट डिफरेंट बिकॉज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एंगल इन विच ही इज ऑब्जर्विंग दैट थिंग इज डिफरेंट. सिमिलरली द पर्सन हू इज सिटिंग विद इन द ट्रेन, राइट, फ्रॉम हीज पर्सपेक्टिव ही दिस पर्सन इज स्टेशनरी. तो सिमिलरली यही बोलते हैं कि डिफरेंट पीपल सी द रियलिटी इन डिफरेंट वेज एंड दे इम्पोज देयर ओन इंटरनल मीनिंग्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट. तो सिमिलरली ये है, प्लस नॉट ओनली दिस, द पर्सन इज हु इज ऑब्जर्विंग ऑल्सो मैटर्स. जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे चीजों को, देन यू माइट चेंज द बिहेवियर ऑफ द थिंग विच इज बींग ऑब्जर्व्ड. सी, जैसे ही ये, ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट, यहां से तो आप डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, यू आर सीइंग द रियलिटी इन डिफरेंट वेज. ये भी बोला जाता है कि इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फिनोमिना एडजस्ट टू एडजस्ट एज पर योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, नाउ दिस इज क्वाइट यूनिक. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि जब लोग कॉन्शियस हो कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो दे डू नॉट मैनिफेस्ट देयर नेचुरल बिहेवियर, देयर नॉर्मल बिहेवियर. रादर वो क्या है, अपने बिहेवियर को कन्फर्मिटी, राइट, दे स्टार्टेड बिहेविंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट. सो देयर बिहेवियर इज नॉट नेचुरल, देयर बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल. तो इससे क्या है, इट काइंड ऑफ जीपर्ड इज द एंटायर एक्सपेरिमेंट, राइट, बिकॉज पीपल शुड बिहेव एज इफ दे आर इन नेचुरल सेटिंग्स. अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी पढ़ोगे, ठीक है, फेमस एक आपका सोशोलॉजिस्ट था, राइट, व्हेन ही वाज स्टडिंग द गैंग्स इन इटली, राइट, ही बिकेम अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट क्राइम ग्रुप. ठीक है, नाउ द पीपल, ठीक है, द दीज क्रिमिनल्स, दे न्यू दैट ही इज अ सोशोलॉजिस्ट एंड ही इज ट्राइंग टू कंडक्ट सम स्टडी. So he started participating in their activities and started observing them. Now these people might have somehow altered their behavior because that sociologist was keeping a watch over them, right? So ऐसा यहाँ पे भी होता है, जैसे आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो, यू चेंज द बिहेवियर ऑफ द थिंग विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. एंड दिस डज नॉट पर्टेन ओनली टू ह्यूमैनिटीज, दिस पर्टेन्स ओनली ऑल्सो टू साइंस एज वेल. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इवन जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, दिस इज ऑल्सो फॉर देम. सी, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी एक्सिस पे, जस्ट लाइक अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, ऐसी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे, राइट. अब वो स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे भी कर सकता है और एंटर क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन, दोनों में कर सकता है. ठीक है, बट वी डोंट नो वेदर इलेक्ट्रॉन की जो जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है. तो जब तक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया साइंटिस्ट ने, तो उसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेट्स में है, क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है, राइट. इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन. और जब साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर लेगा, तब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, तब देन द साइंटिस्ट को डिटरमाइन दैट ही इज दैट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन एंटी क्लॉकवाइज और द वाइस वर्सा, राइट. सो द मोमेंट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया. एंड दिस इज नॉट सम क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इवन इन योर लाइफ यू कुड ऑब्जर्व दिस थिंग्स, राइट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, आई विल गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल. आई आस्क्ड माई मदर
that she should go to a hospital to have a full body checkup, right? Now she is worried. वो जाना नहीं चाहती. She does not want to go to an hospital for this full body checkup because right now there is a state of superposition. Right now, it is not being known whether she is fit and fine or whether there is some kind of problems, right? Hypertension, blood pressure, and all these diabetes, right? So this is kind of superposition. जैसे आप टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं देन यू कुड फिक्स कि वेदर शी इज फाइन और शी इज नॉट, राइट? सो देयर आर सम रियली डेली लाइफ एग्जांपल्स एज वेल. सिमिलरली सुपरपोजिशन इज नॉट जस्ट सम मम्बो जम्बो, राइट? इट इज नॉट सम इमेजिनेटिव काइंड ऑफ थिंग. इट इज ऑल्सो यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वांटम सी इनिशियली जो बिट्स होती हैं कंप्यूटर की नॉलेज होती है जीरो और वन की फॉर्म में, ठीक है? जीरो और वन की फॉर्म में वो ऑब्जर्व करता है. तो या तो बिट जीरो होगी या वन होगी, ठीक है? कोई एक होगी. बिट जीरो है तो मतलब सिस्टम क्या है, ओपन है. वन है तो सिस्टम क्लोज्ड है, राइट? ऑन है. अब इसमें क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि जो बिट है, जो क्यू बिट जिसे बोलते हैं क्वांटम बिट, वो जीरो और वन हो सकती है सेम पोजीशन पे, सेम टाइम पे. दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन. तो इसलिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उससे क्या है, सुपर कंप्यूटर्स बन सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बन सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है, राइट? ऑल दैट स्टफ. सो आप जैसी ऑब्जर्व करते हो रियलिटी को, तो द नेचर ऑफ द रियलिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक? श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट देखना आप. ये कैट थी बॉक्स में, ठीक है? दिस इज द कैट इन द बॉक्स. और यहाँ पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. अब बाहर से दिस बॉक्स इज क्लोज, द ऑब्जर्वर डोंट नो कि ये रेडियो एक्टिव अगर एलिमेंट डिके कर जाएगा तो ये कैट का है डेथ हो जाएगी. अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके नहीं करेगा तो दैट कैट विल सर्वाइव. नाउ यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सुपर पोजिशन है. Cat is alive as well as dead at the same time. ठीक है? Once you observe, the entire behavior of the system will change and you will come up with the conclusion whether this has decayed or not, whether the cat is alive or dead, right? Heisenberg uncertainty principle. Science बात करती है certainty की, absolute truth की, right? लेकिन Heisenberg uncertainty principle, science का principle है. That itself talks about कि subatomic level पे क्या है, आप there is an uncertainty. या तो आप किसी भी चीज़ का क्या है momentum determine कर सकते हो, right? या फिर उसका क्या wavelength determine कर सकते हो. तो वह एक ही time पे एक ही determine कर सकते हैं. That is not quite relevant, but I'm just trying to portray that all the knowledge of science is not absolute or it is absolutely true, right? ठीक है? And the last thing we will deal with, chaos theory. See, chaos theory is a brilliant theory. And then there is a brilliant documentary on chaos theory. It is, I think, around 40-minute documentary. I think you should also watch it. I'll give a link in my description. There is a brilliant documentary on chaos theory, right? Chaos theory hai kya? सी एक जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यू आर स्टडिंग वेदर मॉडल्स, ठीक है? तो उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में क्या है डेटा फीड किया और सिक्स जैसे डेसिमल होता है इसके बाद सिक्स डेसिमल प्लेसेस की जगह उन्होंने क्या तीन डेसिमल प्लेसेस तक की डेटा फिट किया और देन उनको लगा कि रिजल्ट सेम ही होगा क्योंकि साइंस यही क्या है माइनर जो थिंग्स है उनको क्या है ज़्यादा अकाउंट में नहीं लेता, राइट? दिस कुड बी डिस्कार्डेड एंड द अप्रोक्सीमेशन कुड बी ट्रूथ, राइट? इट वुड बी क्लोजर टू ट्रूथ. तो उन्होंने इसको डिस्कार्ड करे और तीन डेसिमल प्लेसेस में डेटा फीड करके चले गए कंप्यूटर में. तो जो ग्राफ आना चाहिए था, एक पर्टिकुलर ग्राफ आना चाहिए था, ठीक है? ही वेंट टू हैव कॉफी और उसके बाद आए, द ग्राफ वॉज लाइक दिस. माइनर चेंजेस ने क्या है पूरा का पूरा क्या है ग्राफ वेदर प्रिडिक्शंस का चेंज कर दिया. नो, दिस इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी वाला जो क्वेश्चन आया था आपका,
दिस इज सेरेंडिपिटी, बाय लक ही केम अक्रॉस दिस थ्योरी, ठीक है, थ्रू सर्टेन एरर ही केम अप विद अ थ्योरी, दैट इज व्हाई पॉल फेयरबैंक सेड डोंट फॉलो मेथडोलॉजिकल मैनिज्म, देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू अप्रोच एनी साइंटिफिक फिनोमेना, राइट। तो इससे क्या बोला जाता है कि वेदर को ट्रूली प्रिडिक्टिंग ही किया जा सकता। एक बात की जाती है, आपने क्या उस थ्योरी में आता है बटरफ्लाई इफेक्ट, ठीक है, ये बोला जाता है इफ द बटरफ्लाई, मतलब दिस इज जस्ट अ कोट राइट टू रिप्रेजेंट दिस क्योस थ्योरी, अगर कोई बटरफ्लाई एक पोर्शन ऑफ द कंटिनेंट में क्या है अपनी जो विंग्स भी फ्लिप करती है, ठीक है, इट माइट प्रोड्यूस हरिकेन्स इन अनदर कॉन्टिनेंट, राइट। तो ऐसे तो मल्टीपल बटरफ्लाइज है तो ऐसे कैसे हरिकेन्स आ जाएंगे। सी द पॉइंट इज दिस डिफरेंस वॉज वेरी मार्जिनल इन नेचर, वेरी मार्जिनल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली में स्मॉल, तो साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट इट लेड टू दिस मेजर चेंजेस, ठीक है। सो दिस स्मॉल इंपैक्ट कुड इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय द विंग्स, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई। तो वो बोलते हैं कि नेचर इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं नेचर को, राइट। व्हेन इवन द विंग्स ऑफ द फ्लाई बटरफ्लाई कुड कॉज हरिकेन्स इन अनदर पार्ट ऑफ द अनदर कॉन्टिनेंट, राइट। सो दिस इज केओस थ्योरी, सो इट रिजेक्ट्स दैट सर्टेनिटी, दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट, ठीक है। आई थिंक यू शुड वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री, आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट्स अ 40 मिनट एंड इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री, ठीक। तो बटरफ्लाई क्या है, लिंक्ड डायनामो इफेक्ट्स, आपने डायनामो इफेक्ट्स पढ़ा होगा, आप चीजों को रख देते हो, एक को भी गिरा देते हो तो ये पूरा का पूरा क्या गिरता चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक प्रिडिक्शंस और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्शंस हो ही नहीं सकती है, नेचर इज इट्सेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में सिमिलरली ये जो हर एक डायमेंशन है साइंटिफिक मेथड का, हर एक डायमेंशन के साथ डील करेंगे पॉजिटिविज्म इन सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है। सोशियोलॉजी में ये वेरियस डायमेंशन कैसे अप्लाई होती हैं, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एडवोकेट किया इसके बारे में, विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट।